हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है हमारी वो केमिस्ट्री में तो है ही है, लेकिन फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बेसिक जो टर्म्स हैं वो कॉमन ही हैं दोनों में, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, जो टर्म्स हैं, जो बेसिकली ये कुछ टर्म्स हम जब क्लियर करेंगे तो हम आपको बता देंगे फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले टर्म जो है थर्मो एंड डायनेमिक्स, इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में पहले देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब यहां पर क्या है, आप लोग समझो कि हीट है, हीट से नहीं है। यहां पर कॉमन टर्म जो लिया गया है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। हीट क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। ये नहीं बोलोगे इसको हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, है ना, लेकिन हीट एक एनर्जी का फॉर्म है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी भी नहीं बोलोगे, लेकिन एक हीट एनर्जी है। तो यहां पर हम एनर्जी टर्म यूज करेंगे, ना कि एक हीट टर्म यूज करेंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे हीट इन डायनेमिक्स, हम कहेंगे एनर्जी इन डायनेमिक्स, क्लियर। अब यहां पर टर्म आता है डायनेमिक्स का मतलब क्या है। डायनेमिक्स का मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन तो सर काइनेटिक्स को भी बोलते हैं। काइनेटिक्स और डायनेमिक्स के मोशन में दोनों में डिफरेंस है। काइनेटिक का मोशन सिंपल मोशन कहलाता है, ठीक है। मोशन अगर हो रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स, इट्स काइनेटिक्स, है ना। लेकिन डायनेमिक्स पोर्शन क्या आ जाता है, जब वो बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है, द वे दैट बॉडी इज मूविंग, द मैकेनिज्म ऑफ मूविंग, द मैकेनिज्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स, क्लियर। तो यहां पर क्लियर हो रही बात की नहीं। थर्मो स्टैंड्स फॉर हेयर एनर्जी, एनर्जी को स्टैंड कर रही है यहां पर, और डायनेमिक्स स्टैंड्स फॉर मैकेनिक्स ऑफ मोशन, मैकेनिक्स ऑफ मोशन, क्लियर हो रही बात की नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस ब्रांच की, हमको क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, तो इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से हम क्लियर कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये तो हम वर्ड क्लियर हो गया कि हमको ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यहां पर ये चीज क्लियर होगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, तो हम इसको कॉमनली बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, यहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इतनी बात क्लियर हो रही बात की नहीं। यहां पर हम एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में। यहां पर ये ब्रांच कुछ चीजें हमको बताती हैं, ये जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कुछ पोर्शन कवर करती है। जैसे हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स, या हम बात करें सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वो एटम के स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन कर देती है। हम बात करें पीरियोडिक टेबल, तो अपने एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज है उस चीजों को पूरा डिफाइन कर देती है। मतलब कुछ ना कुछ जो चैप्टर है वो उस ब्रांच को कुछ कवर करके, उस उतना पोर्शन कवर करके उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कवर करती है, ये हमको समझना है, ठीक है। क्या क्या कवर करती है, ये बात करती है कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करती है, क्लियर हो बात की नहीं। यहां पर थर्मोडायनेमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फिजिबिलिटी के बारे में बात करती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या आ जाता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करती। तो सारी चीज हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसको लिखते जाना पहले आप, ठीक है, इसको लिखते जाना, बेसिकली हम सारी चीज कवर करेंगे इसमें, क्लियर हो बात नहीं। अब हमको कुछ चीजें देखनी है। यहां पर अगर हम बात करें, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करती, किसके बारे में बात करती, इट इज द स्टडी ऑफ बल्क। सबसे पहला पॉइंट,
इट इज द स्टडी ऑफ बल्क, बल्क ऑफ मैटर, बल्क ऑफ मैटर. क्लियर? तो एक चीज क्लियर हो गई, हम इंडिविजुअली किसी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे या एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, हम एक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे. क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्योंकि इट इज अ स्टडी ऑफ बल्क ऑफ मैटर. क्लियर? अब यहां पर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे इसके मेन चीज क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और लिमिटेशंस क्या है. ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर? ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अभी मैं बता चुका हूं, ये फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है. किसके बारे में बात करता है? इट प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इट प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इट प्रिडिक्ट द प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. मतलब फीजिबिलिटी का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही है. इट प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. क्लियर हो गया? जो भी पॉइंट मैं बताता जा रहा हूं बिल्कुल दिमाग में चिपक जाना चाहिए, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का बेस बन रहा है. अभी थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कूदेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या है. ठीक है? ये थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो है वो मेन दो पोर्शन में बटा हुआ है. एक तो थर्मोडायनेमिक्स, इसकी दूसरी ब्रांच आ जाती है थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि डायरेक्ट लिंक अप करती है केमिस्ट्री से. तो यहां पर ये प्योरली हम कुछ चीजें पढ़ेंगे फंडामेंटल बेसिक बनाने के लिए. ठीक है? फिर हम चीजें और समझेंगे. क्लियर हो रही बात नहीं? इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है? नेक्स्ट इसका जो है पॉइंट है इंटर रिलेट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ठीक है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में, उसका इंटर रिलेशन कि किस तरीके से एक्सचेंज कर रही है एनर्जी. क्लियर हो रही बात की नहीं? वेरियस एनर्जी जो एक्सचेंज कर रही है. क्लियर? नेक्स्ट ये हमारे कुछ चीजें और बताती है. रिड्यूस द फेस रूल और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में भी बताती है. तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बताती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है. फिर हमारी बताती है इंटर रिलेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज के बारे में बताती है. नेक्स्ट फिर हम देखते हैं रिड्यूस द फेस रूल और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताती है. क्लियर होगी बात नहीं? सारी चीज हम देखेंगे एक एक करके, सब नोट करते आना. नेक्स्ट इसमें लिख ले रहा है ये बेसिकली बताना कैसा है, थर्मोडायनेमिकली. क्लियर? क्योंकि काइनेटिकली भी होती है कुछ चीजें. क्लियर? स्टेबिलिटी भी होती है थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली. तो यहां पर थर्मोडायनेमिकली बताता है. इतनी बात क्लियर हो रही आपको? नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है. ठीक है? लिमिटेशंस में अभी हमने जो पॉइंट देखे थे उसी के आधार पर इसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं. मतलब इट प्रिडिक्ट फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फीजिबिलिटी नॉट रेट ऑफ रिएक्शन. रेट के बारे में नहीं बताता ये. किसके बारे में बताता है? केवल फीजिबिलिटी के बारे में. इतनी बात समझ में आ गई. दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? इट इज द स्टडी ऑफ बल्क ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करती हूं. नॉट फॉर इंडिविजुअल स्पीसीज. क्लियर हुई बात की नहीं? मतलब कोई एटम, पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम टारगेट नहीं करेंगे. यहां पर हम पूरा का पूरा सिस्टम का बल्क पढ़ेंगे. जो भी लेंगे बल्क में लेंगे, बल्क की स्टडी करेंगे. क्लियर हुई बात की नहीं? समझ में आ रही होगी बात?